हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी स्वागत है आप लोगों का। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आई होप सब लोग अभी सेफ होंगे और अपने घर पे अपनी तैयारी जारी रखेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के साथ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट वन, दैट इज योर रॉ वाटर इंजीनियरिंग, जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज जो है हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट टू जो है यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आई होप सबने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट वन जो है वहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे वीडियोस देख लिए होंगे, स्टडी कर लिया होगा और जो है मैंने नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए हैं। टेलीग्राम पेज जो है मेरा, दैट इज अविनाश लाइव, टेलीग्राम अविनाश लाइव जो पेज है मेरा, उस पर मैंने आपको जो है जो नोट्स जो है सारे अवेलेबल करा दिए हैं। ठीक है, तो आई होप सब लोगों ने वहाँ पे जाके पढ़ाई कर ली होगी और मैंने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, वो भी आप लोगों ने वहाँ पे जाके सॉल्व किए होंगे। ठीक है, आई होप किसी को डाउट नहीं है। एक दो बच्चों ने मुझे डाउट पूछा था कि सर इसके मोल्स, मिली लो मिनी मोल्स और ये पीएच की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमें हमेशा डाउट रहता है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम देखेंगे पार्ट टू के अंदर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का ओरिजिनेट कैसे होता है, कि वो कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद उसके क्या क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, कैसे उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है, और डिस्पोज ऑफ करने के बाद हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप हम ये देखेंगे और आपका एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पार्ट टू भी आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बन रही है हमारे साथ और जो है अपना रिवीजन, क्विक रिवीजन जो है वो आप जारी रखिए, क्योंकि जो है आपका जो लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड हुआ है उसको आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे मैं कवर कर दूं। डेली आपकी क्लासेस हो रही है 8 PM पे, ठीक है, 8 PM टू 9 PM मेरी क्लासेस हो रही है। इसके बाद जो है आपकी 9:30 PM पे जो है आपकी नितेश सर की क्लास होती है। नितेश सर ने ऑलरेडी सर्वेइंग कंप्लीट करा दिया है और वो जो है स्टील स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है चार सब्जेक्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो गए हैं विद इन 15 to 20 days। ओके, आपका ट्रांसपोर्टेशन मैंने खत्म करवा दिया, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग हो जाएगा खत्म, सर्वेइंग खत्म करा चुके हैं नितेश सर, एंड देन यू विल हैव द स्टील स्ट्रक्चर क्लासेस, तो वो भी आपका फिनिश हो जाएगा कुछ दिनों में। इस तरीके से जो है हम इस 1.5 महीने के पीरियड में जो है पूरा का पूरा जो आप सिविल इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो है काफी एफर्ट लगाना पड़ रहा है इस क्लासेस के लिए, तो आप लोगों को सारी क्लासेस यहाँ पे फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप लोग इतना कीजिए बस कि आप जो है सारी वीडियोज को यहाँ पे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन वीडियोज को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव देख रहे हैं पहले फटाफट से वो जो वीडियो है वो लाइक कर दें ताकि मुझे पता लग जाए कि अटेंडेंस कितनी है क्लास की। ओके, फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्लास के अंदर, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम पेज जो है अविनाश लाइव, उस पर आके भी मुझसे यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम जितना डाउट हो सकता है सबका क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, मेरे बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं देखी है उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पैसे लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आप किससे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूंगा आप लोगों को कि 10% ऑफ आपको सारे के सारे प्लस कोर्सेज पे यहाँ पे अवेलेबल है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, दैट इज अविनाश11 AVINASH11 कोड यूज करते हैं, तो आपको 10% ऑफ आपके जितने भी प्लस कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे उस पर मिल जाएगा। चाहे मैं बात करूँ गेट ESE की, SSC की, या फिर आपके जो कोई रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स या फिर आपके जो भाई बहन है अगर वो तैयारी कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम्स की, या फिर आपके 9th to 12th की क्लासेस भी जो है अनअकैडमी में स्टार्ट हो गई हैं और वो जो है काफी ज्यादा अच्छे लेवल की क्लासेस वहाँ पे चल रही हैं। तो 9th से 12th के जो भी बच्चे हैं जो कि अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ पे भी वो क्लास ज्वाइन करके जो है अपना स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जो है उनको आगे जो आपके जब लॉकडाउन खुलेगा तब जो है स्टडीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आप लोग जो है 10% ऑफ ले सकते हैं इंस्टेंट ऑफ यूजिंग माई कोड, दैट इज अविनाश11। ठीक है, इसको अप्लाई कीजिए और आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल आप लोगों ने बताया था कि कुछ लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर डाउट था, तो कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे पीएच की वैल्यू निकल रही, कंसंट्रेशन कैसे निकालना है हमको, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, चलिए सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया आपने तो 60% ऑफ द प्रॉब्लम इज डन, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ लिया तो आपको अगर आता होगा तो वो अटेम्प्ट करेंगे, अगर नहीं आता होगा तो उसको स्किप करेंगे। लेकिन आपने क्वेश्चन अगर अधूरा पढ़ा है तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको वापस क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, चीजें आपको वापस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस,
in a water sample is measured as 17 milligram per liter at 25 degree centigrade. हमको क्या बोला है इसने, देखिए हमको बोला है कि concentration of OH minus ions is equals to 17 milligrams per liter at 25 degree centigrade. ठीक है जी. What is the value of pH of the water sample? Okay, हमसे पूछा है कि pH कितनी निकल के आएगी. सिंपल पहले याद रखिए कि pH होता क्या है. pH is nothing but negative logarithm of OH minus concentration. Sorry, pH is H plus concentration. Okay, pOH is OH minus concentration. तो pH क्या हो जाएगा? Negative logarithm of H plus concentration. Where H plus concentration is measured in grams per liter. ग्राम्स पर लीटर या फिर मोल्स, इसको हम बोलते हैं मोल्स. ओके, तो H plus concentration आपकी ग्राम्स पर लीटर के अंदर जो आ गई आपकी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स के अंदर. ठीक है, उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और उससे जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो हमारी जो है कंसेंट्रेशन की हम वैल्यू पुट करेंगे H plus की, और वो हमारा नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू निकाल के हमसे pH निकाल लेंगे. ठीक है, पहली चीज ये क्लियर है. मतलब हमको क्या चाहिए कंसेंट्रेशन, ग्राम पर लीटर में चाहिए, जिसको हम क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके हम क्या करेंगे मोल्स निकाल लेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स को जब हम यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर H प्लस के अंदर, तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा. ये चीज क्लियर है. चलिए अब बात करूं मैं OH माइनस की कंसेंट्रेशन की, तो यहाँ हमें दे रखा है 17 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमको इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है. तो क्या हो गया इसके अंदर, 17 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 ग्राम्स पर लीटर. ठीक है, ये आ गई OH- की कंसेंट्रेशन. अगर मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करूं, मैं क्या करूंगा इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूंगा. मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा OH का, OH ऑक्सीजन का वेट होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 17 ग्राम्स. ठीक है, मतलब एक मोल क्वांटिटी अगर OH- आयन कंसेंट्रेशन की है तो उसका वेट होगा 17 ग्राम. तो अगर हमारे पास 17 10 पावर माइनस 3 ग्राम्स पर लीटर है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 17 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल्स. दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स मोल्स. जब हम मोल्स में उसकी वैल्यू निकाल ली हमने, तो हम क्या करेंगे उसको पुट करेंगे माइनस लॉगरिथम ऑफ OH माइनस के अंदर. ठीक है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, pOH निकाल लेंगे. ये हमारा आ जाएगा pOH. pOH will equal to minus logarithm of 10 raised to power minus 3. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा वैल्यू, प्लस 3. दैट मींस pOH इज इक्वल्स टू 3. pOH की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई. फिर हमको पता है कि pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू 14. ठीक है, ये ध्यान रखिए इस चीज को, आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता होगा तो ध्यान रखिए इसको, pH प्लस pOH इज ऑलवेज इक्वल्स टू 14. ठीक है, हमको pH निकालना है और pOH की वैल्यू ऑलरेडी हमने 3 कैलकुलेट कर ली, इज इक्वल टू 14. तो pH की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस 3 दैट इज 11. pH विल बी इक्वल्स टू 11. मतलब क्या आ गया आपका, आंसर इज ऑप्शन बी. क्लियर हो गया, कंसेंट्रेशन आपको मिलीग्राम्स पर लीटर में दे रखी है. तो एक चीज बस ध्यान रखिए इसके अंदर, सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि पहले क्या करना है, हम उसको ग्राम पर लीटर के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना है. ग्राम पर लीटर में उसको एक्सप्रेस कर दिया हमने, फिर क्या करेंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से उसको डिवाइड कर देंगे, तो उसके मोल्स आ जाएंगे. उसके मोल्स आ जाएंगे तो हम माइनस लॉगरिथम ऑफ OH- के अंदर हमको क्या क्या पुट करना है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द OH-. ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके उसके मोल्स निकाल लिए, उस मोल्स से हमने क्या किया उसका pOH निकाल लिया, pOH से हमने pH निकाल लिया. ठीक है, आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी. बहुत बेसिक चीजें हैं जो बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 12th के अंदर 11th के अंदर, वो है. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को डाउट था तो मैंने आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर लिया. क्लियर है ये चीज. ठीक है, OH- का कंसंट्रेशन दे रखा है 17 मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम्स में दे रखा है. अगर यही चीज अगर ग्राम्स में दे रखी होती कि ग्राम्स पर लीटर है, तो मुझे कुछ नहीं करना होता, हमें डायरेक्ट उसके मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करना है. 17 ग्राम्स पर लीटर है, उसके 17 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ग्राम पर लीटर आपका जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका OH- कंसंट्रेशन. ठीक है, pOH निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस लॉगरिथम ऑफ 1 ग्राम पर लीटर. ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू, बट ये आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ. अगर ग्राम्स पर लीटर में आपको अगर वैल्यूज दी होंगी, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है. मिलीग्राम से दे रखी है तो मैंने क्या किया उसको 10 रे टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर है,
चलूं आगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बात करी आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट वन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट टू के अंदर। पार्ट टू के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं, और वन बाय वन हम टॉपिक्स यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, पार्ट वन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट टू के, हम पार्ट वन की बात करूं मैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि वेस्ट वाटर क्या होता है, सीवर्स क्या होते हैं, सीवर सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक, कंबाइंड सीवर क्या होता है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकेंड इज द क्वालिटी पैरामीटर्स। जैसे हमने क्वालिटी पैरामीटर देखे थे रॉ वाटर इंजीनियरिंग के, वैसे ही क्वालिटी पैरामीटर्स कुछ देखेंगे हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करूं मैं तो आपके जो क्वालिटी पैरामीटर्स थे उसके अंदर जो फिजिकल पैरामीटर्स थे वो सारे के सारे आपके यहाँ भी आ जाएंगे वेस्ट वाटर के अंदर। तो हम फिजिकल पैरामीटर्स को रिपीट नहीं करेंगे, आपके चेंजेस आएंगे इसके अंदर सिर्फ बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी या फिर केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर। तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं वो मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस कर लूँ, ठीक है। दिस इज पार्ट वन का सब पार्ट टू, दैट इज क्वालिटी पैरामीटर्स। नेक्स्ट बात करता हूँ पार्ट टू की। पार्ट टू के अंदर देखेंगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर्स कि हम डिस्पोज कैसे करने वाले हैं, क्या क्या तरीके हैं उसके डिस्पोज करने के, और डिस्पोज करने के बाद उसको कैसे हम रिजुनुएट करते हैं कि जो हमारा जो रिवर सिस्टम है या फिर जहाँ भी हम डिस्पोज कर रहे हैं सी वाटर के अंदर वो कैसे वेरी करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन डिमांड वगैरह जो भी उसके अंदर वैल्यूज रहती है वो कैसे वेरीज करती है वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ सीवर्स कि जो भी आपका जो है यहाँ पे सीवर्स होते हैं, जो आपके घर से वेस्ट निकल रहा है, इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकल रहा है, वो किसी कलेक्शन सैंप में इकट्ठा होके कहीं डिस्पोज ऑफ होगा, कहीं उसका ट्रीटमेंट होगा, इस पूरे सिस्टम को क्या करते हैं हम डिजाइन करते हैं कि आपका जो पाइपलाइन आएगा वो कितने डायग आएगा, उसकी फ्लो वेलोसिटी कितनी होगी, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या होती है, वो सब पैरामीटर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका पार्ट थ्री आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। हम क्या करेंगे, वेस्ट वाटर को इकट्ठा करेंगे, उसको ट्रीटमेंट प्लांट में भेजेंगे ताकि जो उसके अंदर वेरियस टाइप की क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो उसके चेक किया जा सके और उसकी जो लिमिट वैल्यूज है उसको कम किया जा सके, ताकि हम जहां भी उसको डिस्पोज कर रहे हैं वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं हो। तो इस तरीके से हम इसको डिस्पोज करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे हम उसको ट्रीट करेंगे, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर पार्ट टू हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और पार्ट वन पार्ट टू के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट आपका डिस्कशन रहेगा एयर एंड साउंड पोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एयर एंड साउंड पोल्यूशन भी, एज फार एज गेट एंड ईएसई इज कंसर्न्ड। अगर एसएससी जेई की बात करूं तो एयर एंड साउंड पोल्यूशन पे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एयर एंड साउंड पोल्यूशन डिस्कस कर लूंगा ताकि आपका जो कोई भी टॉपिक है यहाँ पे छूटे नहीं, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि मैं सारे के सारे टॉपिक डिस्कस कर लूँ, भले ही आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई की, यूपीपीएससी एई की या फिर गेट ईएसई, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा पढ़ने को, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, दैट इज ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट टू। फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करूं मैं वेस्ट वाटर की, तो वेस्ट वाटर होता क्या है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। व्हाट इज अ वेस्ट वाटर, इट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेटिंग ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटीज इन द कम्युनिटी। इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। वेरियस एक्टिविटी जो भी कम्युनिटी में हो रही है, जो भी आपके इंडस्ट्रीज से वेस्ट आ रहे हैं, घर से वेस्ट आ रहे हैं, आपका रेन वाटर आ रहा है, तो इन सब की जो वेस्ट आ रहे हैं उसको हम जो है वेस्ट वाटर बोलते हैं। इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, तीन पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है आपका डोमेस्टिक सीवेज, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सीवेज और तीसरा होता है ड्रेनेज या फिर रन ऑफ। डोमेस्टिक सीवेज कौन सा हो गया आपका, जो भी आपका किचन से, आपका डब्ल्यूसी से, आपका बाथरूम से जो भी वेस्ट आ रहा है वो आपका डोमेस्टिक सीवेज के अंदर आता है। दूसरा होता है आपका इंडस्ट्रियल सीवेज। इंडस्ट्रियल सीवेज में क्या आएगा आपका, कि इंडस्ट्रीज और वेरियस आपके जो फैक्ट्रीज हैं उससे जो भी वेस्ट निकल रहा है, केमिकल्स निकल रहे हैं, वो जो आपका आता है वो आता है इंडस्ट्रियल सीवेज के अंदर। और तीसरा आता है आपका ड्रेनेज या फिर रन ऑफ, जो भी आपका वाटरफॉल हो रहा है, रेन वाटर हो रही है, उससे जो भी आपका वेस्ट आ रहा है उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज या फिर रन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसे कुछ प्रॉपर्टीज की, कि लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेटिंग ड्यू टू डोमेस्टिक एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक सीवेज, वेयर एज लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेटिंग ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सीवेज। मिक्सचर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज इज टर्म्ड एज सैनिटरी सीवेज, ठीक है। वेरियस टर्म्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। पहला टर्म ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने आप लोगों से कि डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज क्या होता है। नेक्स्ट बात की मैंने कि डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज को कंबाइन करें तो उसको हम बोलते हैं सैनिटरी सीवेज, उसको हम बोलते हैं सैनिटरी सीवेज, ठीक है। सैनिटरी सीवेज क्या हो जाएगा, सैनिटरी सीवेज का मतलब ये हो गया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल सीवेज, ओके, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज, ठीक है।
This is called sanitary sewage. Next one is, what is sludge? The mixture of kitchen and bathroom. The waste coming out from the kitchen and bathroom is commonly called as sludge. Okay, and waste water originating due to rainstorm is termed as drainage. जैसे मैंने आप लोगों से already discuss कर लिया. तो basic terms थी कि waste water क्या होता है, उसके types कौन-कौन से होते हैं. कुछ notes हैं इसके अंदर, वो हम देख लेते हैं. और कैसे इसके आपका sewage system होता है, कौन-कौन से type के, वो हम यहाँ पे one by one देख लेंगे. बात करूँ मैं important note की, drainage discharge approximately is 15 times more than the sanitary sewage discharge. जो आपका drainage discharge आता है, that is due to rain water, जो भी आपका rain water fall हो रहा है, उसके जो discharge आता है, वो जो है 15 times approximately is higher than the value of sanitary sewage. Sanitary sewage means your domestic and industrial sewage. ठीक है? तो ये आपका important note था. बात करूँ मैं कि sewer क्या होता है, sewer system क्या होता है, तो उसको define कर लेते हैं हम. तो sewer is nothing but the conduits required for carrying the sewage from one point to another. एक point जहाँ से वो originate हुआ to the another point जहाँ पे उसको हमको combine करना है या फिर उसको हमको dispose करना है. That point between these two points, the pipeline connecting between these, that is conduit required to connect these two points, are called as sewers. What is sewerage system? It is an entire process of collection, treatment and finally disposal of wastewater. Sewerage system का मतलब क्या हुआ? कि waste जहाँ से originate हुआ, उसको collect करना है, उसको treatment water के अंदर, treatment plant के अंदर treat करना है, and then finally it we need to dispose at to the of the wastewater. That is your sewerage system. Next point is, there are the types of what is called sewerage system. There are mainly three types. First one is the separate sewerage system. Separate sewerage का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर आपका जो है domestic sewage अलग यहाँ पे dispose of हो, industrial sewage अलग dispose of हो, और जो है आपका जो rain water, that is drainage है, वो आपका अलग जो है dispose of हो. Second is the combined sewerage system. Combined sewerage system के अंदर क्या होगा? कि आपका जो sanitary sewage है, that is due to domestic and industrial sewage, will combinedly move with the drainage, that is waste water coming from the rainstorms. ठीक है? अगर वो combinedly move कर रहा है, that is a combined sewerage system. And partially separate sewerage system in which there is a partial mixing between the different type of sewages. ठीक है? ये point मैंने आगे लिख भी दिए हैं. The system in which separate sewers are provided for the carrying of sanitary sewage and drainage is termed as the separate sewerage system. The system in which same sewer is used to carry sanitary sewage and drainage is called combined sewerage system. तो ये बात की मैंने आप लोगों से, combined and separate sewerage system की. Clear है? तो ये था आपका basic introduction कि waste water क्या होता है, sewers क्या होते हैं, sewerage system क्या होता है, different type of sewerage system कौन-कौन से होते हैं. अब बात करूं मैं आपसे quality of waste water, different parameters कौन-कौन से होते हैं, अपन वो check कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने बात की आपसे, physical water quality parameters will be the same as that of raw water quality parameters. जो आपके physical quality parameters for the waste water होंगे, that will be same as the physical water quality parameters as that of raw waters. Okay, chemical parameters की बात कर लेता हूँ मैं. Chemical water parameters के अंदर most important जो parameters हैं, वो मैं आप लोगों से one by one discuss कर लेता हूँ. सबसे पहले बात करता हूँ मैं dissolved oxygen की. Dissolved oxygen मैंने already discuss कर दिया आपका raw water engineering में. Raw water engineering में हम लोगों ने discuss किया था कि कैसे इसको जो है हम check करते हैं, कैसे हम इसके अंदर manganese sulfate डालते हैं. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में उसको हम मिक्स करते हैं, तो जो प्रेसिपिटेट कलर आता है उसके हिसाब से हम पता करते हैं कि उसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है. ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैलकुलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एज फार एज वेस्ट वाटर इज कंसिडर्ड. बिकॉज वट हैपन्ड इन वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर में क्या होता है कि आपका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके ऑर्गेनिक मैटर के जो है वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करते हैं, मतलब उसको ईट करते हैं. उनके लिए क्या होता है, हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ती रहेगी. ऑर्गेनिक मैटर बढ़ती रहेगी तो आपका जो वाटर क्वालिटी है वो और डिटोरिएट होता रहेगा. ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के आपके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और कैसे हम उसको मेजर करते हैं और कौन कौन से उसकी डिमांड्स होती हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले बात करूँ मैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, उसको मेजर कैसे करते हैं, और उसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं. सबसे पहले केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपका जो है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ पे डीकम्पोज करने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, क्लियर है ये चीज.
की बात होगी केमिकल ऑक्सीजन निर्माण क्या होता है, बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिस्पोज या फिर आपका डीकम्पोज करने के लिए जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन निर्माण। इसको मेजरमेंट कैसे कर लेते हैं वो देख लेते हैं और इसके अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिए, आपको जो है ये याद रखना है कि हम इसको किससे टाइट्रेट कर रहे हैं और किससे हम इसको अपन इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसको मेजर कैसे करते हैं। इट इज डिटरमाइंड बाय द एडिंग K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 एंड H2SO4 दैट इज एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ योर पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द सैंपल ऑफ वाटर टू बी टेस्टेड एंड नोटिंग द अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट लेफ्ट आफ्टर द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय टाइट्रेटिंग द वाटर सैंपल विद फेरस अमोनियम सल्फेट यूजिंग फेरोइन एज एन इंडिकेटर। ठीक है, ध्यान रखिए कैसे करना है इसको। हमको क्या करना है, K2Cr2O7 डालना है उसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O4 किसमें डालना है हमको, देखिए K2Cr2O4 हमको डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, उसको टाइट्रेट करना है हमको, टाइट्रेट विद द फेरस अमोनियम सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको, फेरस अमोनियम सल्फेट क्वेश्चन में आएगा आपको। मैं आप लोगों से जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिए। उस टाइम मुझे ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए कि सर मुझे याद नहीं था, क्लियर है। फेरस अमोनियम सल्फेट ध्यान रखिए, इसको हम टाइट्रेट करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट से यूजिंग फेरोइन एज एन इंडिकेटर। ठीक है, यूजिंग फेरोइन एज एन इंडिकेटर, ओके इंडिकेटर ध्यान रखिए फेरोइन होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट उससे टाइट्रेट करते हैं एंड वी विल मेजर द अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट लेफ्ट आफ्टर द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये बेसिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, वो जो है हम चेक कर लेते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है इसकी और हम उसको कैसे मेजर करते हैं। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दैट समटाइम्स इट ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सिंस K2Cr2O7 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इफ आई टॉक अबाउट K2Cr2O7 दैट इज योर पोटेशियम डाइक्रोमेट is a very strong oxidizing agent, then what happens is it decomposes or both your organic and inorganic matters, okay। अब हमारा aim क्या था, हमको क्या identify करना था, तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ पे डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कैलकुलेट करना था। लेकिन कई बार क्या होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज सच ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इट ऑक्सीडाइजेस ऑर्गेनिक विद इनऑर्गेनिक मैटर्स, तो क्या होता है कई बार जो हमारी वैल्यूज निकल के आती है वो तो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा निकल के आ जाती है। ओके, केमिस्ट्री देख लेते हैं, केमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व होती है, आपकी जो वाटर है यहाँ पे, ठीक है वाटर यहाँ पे हम ले लेते हैं वाटर सैंपल, उसके अंदर क्या करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, फिर उसको टाइट्रेट करते हैं फेरोइन डाल के इंडिकेटर से, और जो है जैसे ही हम फेरोइन इंडिकेटर ऐड करते हैं तो उसका कलर बनता है ब्लू ग्रीन वाटर सैंपल। ठीक है, ब्लू ग्रीन बनता है उसका, फिर हम उसको टाइट्रेट करते हैं विद फेरस अमोनियम सल्फेट और वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू चेंज द कलर टू रेड ब्राउन इज नोटेड। याद रखिए कलर्स, कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो है आपका हार्डनेस मेजर करने के लिए कौन सा हम यहाँ पे टाइट्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, कौन सा हम इंडिकेटर यूज करते हैं एंड उसका कलर क्या निकल के आता है। ठीक है, मैंने आप लोगों से जब डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका ईबीटी का कैटायन बनता है, ईबीटी कैटायन बनता है उसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, जब उसको हम टाइट्रेट करते हैं ईडीटीए के साथ तो फाइनल कलर निकल के आता है, वो निकल के आता है वाइन रेड। ठीक है, उसके अंदर ऑप्शन था ब्लू का और लोग आंसर दे रहे हैं ब्लू, दैट इज द मिडल पार्ट। ओके, ईबीटी का जो कैटाइन बना है दैट इज आपका जो कैटाइन बना है इंडिकेटर का, उसका कलर है आपका ब्लू, ना कि आपका फाइनल कलर। फाइनल कलर इज वाइन रेड, फाइनल कलर ध्यान रखिए वाइन रेड। बेस का कलर नहीं भी याद रखेंगे तो वेरी नॉट इंपॉर्टेंट, बट फाइनल कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाइन रेड व्हेन टाइट्रेटेड विद द ईडीटीए दैट इज इथाइलिन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड। इसके अंदर भी क्या होगा, फेरोइन इंडिकेटर ऐड किया हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल के और हमने क्या किया फेरस अमोनियम सल्फेट से उसको टाइट्रेट किया, तो फाइनल कलर जो निकल के आया That is red brown। तो आपसे कोई पूछे कि जो आपका जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के अंदर टाइट्रेट करते हैं तो किससे टाइट्रेट करते हैं, तो फेरस अमोनियम सल्फेट से करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं फेरोइन एंड द फाइनल कलर इज रेड ब्राउन कलर। ओके,
final color is red brown color. So this is the thing we need to study in the chemical oxygen demand. क्या क्या important है मैंने आप लोगों से बता दिया, question में आपको देखने को मिलेगा. जब मैं आप लोगों से इसके question discuss करूंगा तब आपको इसके भी देखने को मिलेंगी questions. Okay, चलिए next बात करते हैं theoretical oxygen demand की. Theoretical oxygen demand क्या होता है और उनको कैसे calculate करते हैं. If the exact concentration and the type of organic matter present in the system is known, then the amount of oxygen required for its decomposition can be computed theoretically. ठीक है, जो अगर आपको exact amount of concentration of different organic matter पता हो, तो amount of oxygen required for the complete decomposition can be calculated. ठीक है, बात कर लेते हैं एग्जाम्पल से कि सपोज आपका एक ग्लूकोज कंपाउंड है C6H12O6, उसको मैंने क्या किया ऑक्सीजन से यहाँ पे रिएक्ट किया, क्या बन गया 6CO2 + 6H2O. ठीक है, बेसिक रिएक्शन क्या हो रहा है इसके अंदर, देखिए 1 मोल ऑफ योर ग्लूकोज दैट इज 6C6H12O6 रिक्वायर्ड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स डीकंपोजिशन. मतलब आपका 1 मोल जो ग्लूकोज का है दैट इज C6H12O6, उसको क्या चाहिए 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए फॉर इट्स कंप्लीट डीकंपोजिशन. तो मतलब क्या हो गया, जो आपका वेट आया मॉलिक्यूलर वेट C6H12O6 का कैलकुलेट करेंगे इसको, कार्बन का होता है वेट 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है 1, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका वेट कितना निकल के आएगा ग्लूकोज का, इसका वेट निकल के आया आपका 180 ग्राम्स. मतलब 180 ग्राम्स ऑफ C6H12O6 रिक्वायर्स 6 टाइम्स ऑफ 32 दैट इज वेट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 6×32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स डीकंपोजिशन. मतलब क्या हुआ कि हमको टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अगर कंप्लीटली पता है, कि सपोज हमको पता ही है कि उसके अंदर एक ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया ग्लूकोज का, या फिर हमको पता है कि उसके अंदर सिर्फ मीथेन है, तो अगर हमें यह पता है एग्जैक्टली टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कौन सा है, तो हम उसके अंदर निकाल सकते हैं कि थियोरेटिकली उसके अंदर कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा. जैसे मैंने आपसे रिएक्शन में बात की कि C6H12O6 को 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या हो गया, जो आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया ग्लूकोज का दैट इज 180 ग्राम्स, तो 180 ग्राम्स ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर विल रिक्वायर 6×32 दैट इज योर वेट ऑफ योर ऑक्सीजन, दैट इज 6×32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स डीकंपोजिशन. दिस इज कॉल्ड थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड. Generally, value of theoretical oxygen demand is higher than the value of chemical oxygen demand. Okay, this is practical value that we need to remember, that the theoretical oxygen demand is greater than chemical oxygen demand. Clear ये चीज? सबसे पहले हमने बोला बात की chemical oxygen demand की, then we have discussed theoretical oxygen demand. Okay, next point is total organic carbon. Total organic carbon क्या होता है? देख लेते हैं उसको. ठीक है. टोटल ऑर्गेनिक कार्बन इज जस्ट अनदर वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. ठीक है, या तो हम उसको एक्सप्रेस कर दें कि उसको इतना ऑक्सीजन, इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीट डिकम्पोजिशन के लिए, या फिर हम उसको एक्सप्रेस कर दें कि उसके अंदर इतने ग्राम्स ऑफ कार्बन है. जैसे बात करूँ मैं आपसे यहाँ पे ग्लूकोज की वापस से, कि C6H12O6 इसका केमिकल नेम है, तो मतलब इसके अंदर क्या है कि योर 6 मोल्स या फिर 6 मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है. ठीक है, क्योंकि C6 है मतलब 6 मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है. मीन्स क्या हो गया कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है उसके अंदर 72 ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है. मतलब उसके अंदर 72 ग्राम ऑफ कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट है C6H12O6 के. क्लियर है? दिस इज कॉल्ड टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, दैट इज TOC. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. नेक्स्ट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, क्या होता है ये, कैसे मेजर करते हैं इसको, और इसका क्या मेन फॉर्मुला निकल के आते हैं, वो मैं आप लोगों से वन बाय वन डिस्कस कर लूँगा. ठीक है, व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या निकाल लिया था हमने, बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल. But in the case of biochemical oxygen demand, or in the short form, we can call it BOD, then it is defined as the amount of oxygen required for the decomposition of biodegradable organic matter present in the system. Clear hai cheez, basic definition samajh mein aa gayi biochemical oxygen demand ki. Next point is BOD during 5 days at 25 degree centigrade is taken as standard BOD. BOD ki value 5 दिन पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बीओडी, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी. 68% कैसे आई वो मैं आप लोगों से आगे डिस्कस कर लूंगा. पहले इतना समझ लीजिए कि बीओडी रिक्वायर्ड फॉर द 5 डेज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन एज स्टैंडर्ड बीओडी.
तो अब डाउट ये आता है सर कि दिमाग में कि 5 डेज ही क्यों लिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों लिया। दिस इज टेकन फ्रॉम द फॉरेन सैंपल्स, फॉरेन के कंट्रीज में, जैसे कि आप बात करें यूके की, जनरली जहां से ये चीजें डिराइव हुई है वहां पे क्या एम्बियंट टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है दैट इज अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो मैक्सिमम यहाँ पे रिवर्स फ्लो होती है, मैक्सिमम रिवर्स फ्लो होती है वो जो है आपकी 5 डेज के अंदर जो है आपकी ओशियंस में जाके मिल जाती है, ठीक है। मतलब उनका 5 डे का साइकिल होता है, इसीलिए वहां पे क्या निकाला गया कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कैलकुलेटेड फॉर द 5 डेज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों? क्योंकि वहां पे जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये उसका पीछे लॉजिक है। नाउ हाउ इट इज डिटरमाइंड, इट इज डिटरमाइंड बाय डाइल्यूटिंग नोन वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल विद द नोन वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर सैंपल एंड डिटरमाइनिंग द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बिफोर एंड आफ्टर 5 डेज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, समझ लेते हैं इसको क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। सपोज ये एक बीकर है, जार है, वहां पे मैंने क्या किया x ml of योर जो हमारा वाटर है वेस्ट वाटर वो ले लिया, ठीक है। प्लस मैंने क्या किया उसके अंदर y ml of एरेटेड वाटर वहां पे डाल दिया, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन काफी अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एरेटेड वाटर वहां पे डाल दिया, ठीक है। इस x प्लस y को मैंने मिक्स करके क्या किया, इनक्यूबेटर के अंदर, इनक्यूबेटर मतलब जहाँ पे जो है आपके जो टेम्परेचर प्रेशर और जो सारी पैरामीटर्स हैं वो आपका कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, उसको हमने इनक्यूबेटर के अंदर डाल दिया एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेफ्ट फॉर द 5 डेज, ठीक है। 5 दिन के लिए मैंने उसको वहाँ पे छोड़ दिया। मैंने क्या किया कि इनिशियली जो मैंने वेस्ट वाटर और एरेटेड वाटर लिया था उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल लिया, उसको मैंने नाम दिया डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल, ओके। फिर मैंने क्या किया 5 डेज उसको इंक्यूबेट किया, उसको इंक्यूबेटर में डाल के इंक्यूबेट किया और मैंने डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी निकाल ली, दैट इज कॉल्ड डीओ फाइनल डीओएफ, ठीक है। मैंने ये चीजें यहाँ पे निकाल के रख ली, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, देखिए इसके अंदर हमने क्या किया, बीओडी 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे देख लिया पहले कि बीओडी 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू DO initial minus DO final into dilution factor. Dilution factor का मतलब क्या हुआ? X plus Y divided by X. जो मैंने waste water add किया था, मतलब volume of waste water, ठीक है? Plus volume of aerated water divided by volume of waste water. ये आपका आ गया your dilution factor. This is called dilution factor. And BOD 5 at 20 degree centigrade is taken as DO initial minus DO final into dilution factor. याद रखिए इस फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, BOD at 20 degree centigrade for 5 days can be calculated as DO initial minus DO final into dilution factor, where dilution factor is equal to x plus y upon x. X is the volume of water sample, y is the volume of aerated water, and x is the volume of water sample that is divided. Okay, this is the formula DO initial minus DO final into your dilution factor. Important iske andar point dhyan rakhne wali ye hai ki all the source of light must be excluded from the incubator in order to avoid photosynthesis during which oxygen is released which results in the higher final DO and lower BOD than the actual. Theek hai, oxygen ko jo hai wahan pe humko hata ke rakhna hai. Oxygen kyun hata ke rakhna hai? Kyunki hamara jo waste water sample hai उसके अंदर एल्गीज, प्लैंकटन्स और ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपका ऑर्गेनिक मैटर या फिर एल्गी प्लैंकटन्स हैं, वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने से क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन रिलीज होने से क्या होगा? जो आपका फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आएगा वो निकल के आएगा हायर वैल्यू निकल के आएगा देन द एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा बीओडी की वैल्यू लेस देन द एक्चुअल आएगी। तो हम क्या करेंगे, उस बीओडी की वैल्यूज को लेस कैलकुलेट कर लेंगे, उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम उसको सोर्स ऑफ लाइट से वहां पे दूर रखेंगे। क्लियर है? दिस इज बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड व्हिच इज कैलकुलेटेड एज डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू योर डाइल्यूशन फैक्टर। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि किसी भी टाइम टी के ऊपर, किसी भी टाइम टी पर अगर निकालना हो, सपोज टी इक्वल टू 1 डे पे मुझे कैलकुलेट करना हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीओडी, ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वी विल कैलकुलेट 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस kt इनटू l नॉट। l नॉट इज द
अल्टीमेट बीओडी, एल नॉट इज द अल्टीमेट बीओडी, ठीक है. व्हेन टाइम टी इज टेंस टू इंफिनिटी देन योर बीओडी टेंस टू, बीओडी टेंस टू योर एल नॉट. ओके, तो एल नॉट इज द अल्टीमेट बीओडी. K is the deoxidation constant. Deoxidation constant at base E when we will use formula 1 minus E raised to power minus KT. When the base is used 10, then it will become KD. Okay? Base E hai, toh hum usko bolenge constant, deoxidation constant, and signifies the rate of BOD reaction without affecting the ultimate BOD. ठीक है? Ultimate BOD की value आपकी constant रहती है. ठीक है? आपसे question पूछ ले कि अगर 20 degree centigrade पे आपकी ultimate BOD X है, तो एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी अल्टीमेट बीओडी कितनी रहेगी, तो डेट विल रिमेन एक्स. अल्टीमेट बीओडी आपका कभी चेंज नहीं होता. एल नॉट विल रिमेन एल नॉट, द वैल्यू चेंज इज बीओडी. तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एट पर्टिकुलर टाइम विल चेंज विद द टेम्परेचर. ओके, कैसे वैरी करता है टेम्परेचर के साथ वो भी हम देख लेते हैं. पहले हम समझ लेते हैं कि बीओडी एट एनी टाइम टी क्या होता है. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एट एनी टाइम टी इज अल्टीमेट बीओडी इंटू 1 minus e raised to power minus k into t. T is time in days or k is the deoxygenation constant. Deoxygenation constant. ठीक है, अब मैंने बात की थी आपसे कि BOD 5 is equals to almost 68% of ultimate BOD. ठीक है, मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया था ये वाला. मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि मैं आगे इसको क्लियर करूंगा. कैसे हुआ देखिए, 68% व्हेन बीओडी इज कैलकुलेटेड एट टाइम इक्वल टू 5 डेज, देन वी विल पुट टी इक्वल टू 5 डेज इन द फॉर्मूला. फॉर्मूला विल बिकम बीओडी इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के इनटू 5. ओके, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ के देन व्हाट हैपेंस इज बीओडी अल्टीमेट बीओडी वैल्यू ऑफ 5 डेज इज इक्वल्स टू 0.68 टाइम्स ऑफ एल नॉट. ये आपकी वैल्यू निकल के आती है 0.68 टाइम्स ऑफ एल नॉट की. तो मतलब आपका बीओडी एट 5% इज इक्वल टू 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी. इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो बीओडी है वो यहाँ पे जो है आपका टी इक्वल टू जब इन्फिनिटी हो जाएगा तब आपका जो है वो अल्टीमेट बीओडी वहां पे रीच होगा. ठीक है, क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए आगे. चलिए, आपका टाइम है यहाँ पे कैलकुलेट होगा टी इन डेज. सिंपल आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा के की वैल्यू ये है, टाइम की वैल्यू ये है, तो आप निकालना होगा बीओडी. डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर निकाल देंगे. सपोज अब एग्जांपल आपको दे रखा है कि एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है. मैं क्लियर कर देता हूं पहले इसको. ठीक है, चलिए अगर आपको दे रखा है टाइम, टेम्परेचर दे रखा है आपको, सपोज टाइम दे रखा है आपको, ठीक है, 5 डेज, और आपको टेम्परेचर दे दिया है इसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ठीक है, और आपकी के की वैल्यू दे रखी है आपको, के एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको गिवन है, सम सपोज 0.2, ठीक है, 0.2 पर डे. ओके, ये कुछ तरीके से आपको वैल्यू दे रखी है. तो अब हमको टेम्परेचर दे रखा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमको डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट दे रखा है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे के की एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ के एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 1 माइनस 1.047 रेज टू पावर टी माइनस 20. ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई करेंगे हम, और इससे हम क्या निकालेंगे, के एट एनी टेम्परेचर टी. टेम्परेचर टी पे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, किसी भी टेम्परेचर टी पे निकालना हो तो टी माइनस 20 1.04 रेज टू पावर टी माइनस 20 इनटू दैट वैल्यू ऑफ के एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल गिव यू द वैल्यू ऑफ K at any temperature T. ठीक है, क्योंकि K जो है जो that is your deoxygenation constant that varies with the temperature, that's why we have to calculate the value of deoxygenation constant at various temperature. ठीक है, ये बात करी हमने आपसे deoxygenation constant की. चलिए क्लियर है ये चीज. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है इनमें, BOD at any time T is equals to L naught 1 minus e raised to power माइनस के टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बीओडी के बाद, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बाद कुछ रेशियोज की बात कर लेते हैं. बीओडी अपॉन सीओडी, सीओडी अपॉन टीओसी, ठीक है, क्या मतलब होता है उनका और उसकी वैल्यूज क्या होगी, तो वो क्या सिग्निफाई करता है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले बात करूं मैं बीओडी अल्टीमेट डिवाइड बाय सीओडी, दैट इज
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अल्टीमेट वैल्यू डिवाइड बाय केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। दिस रेशियो इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, दैट इज ईदर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीओडी का मतलब क्या था? बीओडी का मतलब था दैट इज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को जो डिकम्पोज करने के लिए क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन सी होती है वो होती है आपकी बीओडी, एंड सीओडी इज वॉट इट इज द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज इन ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सीओडी। तो बीओडी अपॉन सीओडी क्या रेशियो इंडिकेट करता है? द क्वालिटी ऑफ योर वेस्ट वाटर, ठीक है। इफ दिस वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 0.8, ठीक है, ये वैल्यू अगर 0.8 से ज्यादा है देन वेस्ट वाटर इज कंसिडर्ड टू बी ट्रीटेड बायोलॉजिकली, अगर ये वैल्यू 0.8 से ज्यादा है तो उसको हम बायोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं। एंड इफ द रेशियो इज लेस देन 0.5 दैट मीन्स द सीओडी वैल्यू इज वेरी हाई, दैट मीन्स सीओडी वैल्यू इज हाई, देन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज कैन नॉट बी पॉसिबल एंड टू बी कंसिडर्ड फॉर टॉक्सिक फॉर द ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, उसको हम बायोलॉजिकली ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा क्वांटिटी में है। क्यों? क्योंकि सीओडी की वैल्यू काफी ज्यादा है, BOD की वैल्यू कम है, COD की वैल्यू ज्यादा है, BOD कम है मतलब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो हम उसको जो है वहाँ पे बायोलॉजिकली ट्रीट नहीं कर सकते और इट इज ट्रीटेड एज अ टॉक्सिक फॉर द ट्रीटमेंट प्लांट। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ BOD अल्टीमेट डिवाइड बाय COD रेशियो, ओके। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.8 देन द वाटर कैन बी ट्रीटेड बायोलॉजिकली, ओके। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपसे COD अपॉन TOC की, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टू द रेशियो ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। This ratio indicates the quality of wastewater with respect to type of organic matter present in it. ठीक है, either simple or complex. ठीक है, if this value is very high, this value is the range of 0 to 5.33. ठीक है, 0 to 5.33 आपकी इसकी value होती है. ठीक है, अब बात करूं मैं different parameters, जो मैंने आप लोगों से बात की, that is theoretical oxygen demand, chemical oxygen demand, biological oxygen demand, total organic carbon. तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है वो आप ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा वैल्यू होती है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड की, दैट इज THOD विद द मैक्सिमम वैल्यूज एंड COD इज देन एंड देन BOD एंड देन TOC, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीजन डिमांड प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर सैंपल, ओके। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द वेरियस पैरामीटर्स वी नीड टू डिस्कस एज फार एज द वेस्ट वाटर पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, ठीक है, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एवरेज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ BOD कितनी होती है। एवरेज स्टैंडर्ड BOD ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज 80 ग्राम्स पर कैपिटा पर डे, 80 ग्राम्स पर कैपिटा पर डे, ओके। नाउ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिलीजिंग द BOD of the rate of average standard BOD of domestic sewage equivalent to that of the released by the industries is referred as population equivalent. Suppose आपका industries से यहाँ पे release हो रहा है, industries ने release किया suppose 1000 grams of your BOD, ठीक है, और हमको क्या निकालना है कि उस industry को जो हम अगर replace कर दे with the population, with the your population, मतलब आपको जनता से उसको रिप्लेस कर दे, तो कितने पीपल, कितने कैपिटा वहाँ पे जो है सेम क्वांटिटी ऑफ BOD, सेम क्वांटिटी ऑफ योर पॉल्यूशन विल क्रिएट। मतलब आपका इंडस्ट्री से अगर 1000 ग्राम्स ऑफ BOD रिलीज हो रहा है तो एवरेज आपका जो है एक पॉपुलेशन है पर कैपिटा जो है वो 80 ग्राम्स पर कैपिटा पर डे रिलीज होता है, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा उसका, 1000 डिवाइड बाई 80 ग्राम्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है, कितना 820 12.5, ठीक है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आ जाएगा 12.5। मतलब उस इंडस्ट्रीज को अगर 12.5 लोग ऑक्यूपाई कर ले उसकी जगह पे, तो सेम क्वांटिटी ऑफ योर BOD विल बी प्रोड्यूस्ड विद द पॉपुलेशन ऑफ 12.5 एज दैट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग, ओके। उस इंडस्ट्रीज को अगर मैं पॉपुलेशन रिप्लेस कर दूं, सेम क्वांटिटी ऑफ BOD विल प्रोड्यूस्ड, ओके। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू, इट इज 80 ग्राम्स पर कैपिटा पर डे। इट सिग्निफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडस्ट्री सीवेज, ये क्या दिखाता है आपका, स्ट्रेंथ ऑफ द इंडस्ट्री सीवेज। स्ट्रेंथ कैसे दिखा रहा है कि मतलब कि उस पॉपुलेशन की जगह अगर मैं पॉपुलेशन को रिप्लेस कर दूं तो इतने लोग उससे जो है आपका वहां पे जो है पॉपुलेशन जो है आपका पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, दैट इज BOD विल बी क्रिएटेड, ओके। चलिए ये बात करी मैंने आप सबको उसे पॉपुलेशन इक्विवेलेंट की, ध्यान रखिए इस चीज को, इजी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट बात करता हूँ आप लोगों से रिलेटिव स्टेबिलिटी की। रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन द एफ्लुएंट इन एनी फॉर्म एज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और एज मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन टू द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेज बीओडी। मतलब क्या हुआ, देखिए रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करूं मैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको ध्यान रखिए, वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल, ठीक है, इन इन द एफ्लुएंट टू द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ बीओडी, ठीक है, इस रेशियो को बोलते हैं हम रिलेटिव स्टेबिलिटी। सिंपल इसका फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ बीओडी, ठीक है, इसका रेशियो होता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 100 इनटू 1 माइनस 0.63 रेज टू पावर T37, या फिर अगर हम मैं इसको रिप्रेजेंट करूं T20 के अंदर तो क्या होता है 100 इनटू 1 माइनस 0.794 रेज टू पावर T20 डिग्री सेंटीग्रेड। T20 T37 का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। T20 T37 आर द टाइम रिक्वायर्ड इन डेज बाय द सीवेज सैंपल टू डीकलराइज स्टैंडर्ड मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन व्हेन इंक्यूबेटेड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपका टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम उसको बोलेंगे T20, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू डीकलराइज मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन को जो हम डीकलराइज करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम बोलेंगे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज T20 एंड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज कॉल्ड T37 डिग्री। ओके, दिस इज T20 एंड T37 एंड फॉर्मूला इज 1 माइनस 0.63 रेज टू पावर T37 एंड 1 माइनस 0.794 रेज टू पावर T20। इसको याद कैसे करना है, सिंपल इसको याद रखिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, दिस इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है टू द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ बीओडी। ओके, इसको याद करने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, मैंने कैसे याद किया था इसको, मेरे को बड़ा कंफ्यूजन लगता था ये फॉर्मूला, मैंने ऐसे याद किया था इसको कि योर रिलेटिव स्टेबिलिटी विल बी इक्वल टू 100 इनटू 1 माइनस, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आपको वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगर सपोज ऊपर अगर T20 दे रखा है, तो मैं इसको क्या करूंगा 100 में से माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 80, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 0.8, अप्रॉक्सीमेटली 0.794 होता है एग्जैक्ट तो, लेकिन इसको याद करने के लिए 0.8 भी याद कर सकते हैं। इसी तरह मैं बात करूँ T37 पे, इसको क्या करो 100 में से माइनस कर दो तो कितना आ गया 63, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया 100 इंटू 1 माइनस 0.63 रेज टू पावर T37। ये इसका याद करने का तरीका है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ योर रिलेटिव स्टेबिलिटी इन केस व्हेन द टेंपरेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, देन क्या करेंगे 100 इनटू 1 माइनस योर 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, कितना आ जाएगा वहां 0.8 रेज टू पावर T20। इसी तरह का टेंपरेचर 37 है तो उसको 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 37 दैट इज 63, तो कितना आ जाएगा 0.63, तो मतलब 100 इनटू 1 माइनस 0.63 रेज टू पावर T37। क्लियर है ये चीज, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्टेबिलिटी। दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक वैल्यू ऑफ वेरियस पैरामीटर्स दैट वी आर डिस्कसिंग। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इज डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट, जो भी हमारा सीवेज वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको हम डिस्पोज कैसे करते हैं, वेरियस मेथड कौन से होते हैं डिस्पोज करने के, फिर हम देख लेंगे वेरियस मेथड के अंदर हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, और अगर हम उसको लेक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो लेक के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वेरियस टाइप ऑफ लेक्स क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, सेंसेशन लेक क्या होता है, मिजोट्रॉफिक लेक क्या होता है, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो रिपीटेडली हर दूसरे ईयर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये टॉपिक जो है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मेरा जो टेलीग्राम पेज है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया क्लास शुरू होने से पहले, दैट इज अविनाश लाइव, वहां पे भी जुड़ के आप लोग वहां पे मुझे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट पढ़ेंगे और डिजाइन ऑफ सीवर्स स्टार्ट करेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस जो आज के टॉपिक के मैंने पढ़ाए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से कल डिस्कस कर लूंगा। तो आज के जो भी मैं टॉपिक पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिए, कल के क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू आंसर दोज क्वेश्चन, ठीक है, अटेंड कीजिए लाइव कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के साथ लाइव रहता हूँ मैं, तो आप वहाँ पे रिप्लाई कीजिए और इट विल बी गुड फॉर यू। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ ये सब चीजें, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आप लोग आज रिवाइज कर रहे हैं, कल मैं आप लोगों को उसको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको क्या होगा वो डबल रिविजन हो जाएगा, ठीक है।
और मैं बात करूं कि अब जो हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट वन पढ़ लिया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड रिवाइज दैट ऑन द ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, रिविजन कैसे करना है सर? हम लोगों ने पढ़ तो लिया, मुझे याद नहीं रहता है, मैं जब एग्जाम में आता हूँ तो मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है मुझे याद नहीं रहता है, मुझे यहाँ पे इंडिकेटर याद नहीं है, मुझे कवर ऑफ द इंडिकेटर याद नहीं है, मुझे वैल्यूज याद नहीं है, एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है मैं पूछ लूँ अभी से किसी से तो वो भूल जाएंगे आप लोग। वो क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि आप लोग रिविजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, कुछ नहीं करना है, क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, कल की क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वहाँ आपका एक बार रिविजन हो गया, जो आपका एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पार्ट वन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, उसके आप लोग रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसकी फर्स्ट क्लास हो जाएगी तो आप उसके फर्स्ट क्लास के नोट्स उठाइए और क्विकली उसके रिविजन कर लीजिए, कौन कौन से मेथड होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की है उसकी वैल्यू जो भी होती है वो सभी याद कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मैंने आप लोगों के साथ करी, तो अब इस तरीके से आपके जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पार्ट वन एंड पार्ट टू, तीन टॉपिक आपके यहाँ पे चल गए। तो आप लोग बाकी के दो टॉपिक रिवाइज कीजिए और इसको करंट में आप इस यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज द मेथड वेयर यू कैन एबल टू यूज योर रिविजन वेरी इफेक्टिवली। ठीक है, रिविजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स का रिविजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल थिंग, सिंपल स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। क्लास फॉलो कीजिए, रिविजन कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, क्लास फॉलो कीजिए, रिविजन कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू। नाउ आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की क्लास जिन्होंने फॉलो नहीं किया पहले वो फॉलो कर लीजिए, फिर आप क्या कीजिए, प्रीवियस इंजीनियरिंग प्रीवियस के जो क्वेश्चन हैं वो उठाइए, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के, वो करने स्टार्ट कीजिए। जैसे आप करेंगे तो आप कोई फॉर्मूला भूलेंगे, फिर से आके नोट्स देखिए, फिर करेंगे फिर फॉर्मूला देखेंगे फिर नोट्स देखिए, इस तरीके से क्या होगा, आपको फॉर्मूला भी याद होगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है वो भी समझ में आएगा। इसके अलावा कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि पहला एक क्वेश्चन किया उसका आंसर देखा, दूसरा क्वेश्चन किया उसका आंसर देखा, ऐसा मत कीजिए। स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसिंग एज अ पेपर, क्या कीजिए, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फर्स्ट 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, पेपर पे लिखिए फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का डी, इस तरीके से आप वहां पे एक पेपर की तरह अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसको मैच कीजिए आंसर की के साथ, जितने क्वेश्चन सही हुए आप उसको एनालिसिस कीजिए कि मेरे इतने ही क्यों सही हुए, या फिर अगर ज्यादा सही हो गए 20 में से 20 सही हो गए, दैट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड प्रिपरेशन यू हैव। अगर कम आपके सही हो रहे हैं तो वहां पे कहां प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्या फॉर्मूला आप भूल रहे हैं, क्या आप वहां पे मिस कर रहे हैं, वो आप वहां के रिवाइज कीजिए, इस तरह से फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन वहां पे वापस रिवाइज कीजिए। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ पेपर, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स जो भी हो सकते हैं वो सारे समझ लीजिए। कि जैसे मैं बात करूं आपसे कि हार्डनेस टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि उसके अंदर कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, तो सिर्फ इंडिकेटर मत समझिए, इंडिकेटर आपने याद कर लिया ईवीटी होता है, ठीक है, उसके बाद कौन सा कलर निकल के आता है, हम तो किससे टाइट्रेट करते हैं, ठीक है, वो वैल्यूज किसके लिए मेजर करने की काम आती है, वो सारी चीजें आप वापस से रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन और आपको रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके आप अपनाएंगे तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम। मैं सिर्फ SSC JE या UPSC SSC JE की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ गेट ESE की। ठीक है, तो उस एग्जाम्स को भी अगर ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आराम से यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो मैंने आप लोगों से कुछ चीजें डिस्कस की, कुछ चीजें और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। क्लास फॉलो कर दीजिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसको देख सके और हमारा जो एफर्ट आ रहा है वो मैक्सिमम लोगों के साथ पहुंच सके, मैक्सिमम लोग उसको यूज कर सके। क्लियर है ये चीज? तो कल हम डिस्कस करेंगे डिस्पोजल ऑफ सीवेज, कैसे हम उसको डिस्पोज करने वाले हैं, वेरियस मेथड देखेंगे और हम उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली मेंबर्स, एंड डोंट गो आउटसाइड, कीप आइसोलेटेड योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।